सो गाइज वेलकम बैक टू दर वीडियो। तो अभी अभी हनी पाजी ने एक और बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हबीबती सॉन्ग का टीजर अभी दो दिन पहले ड्रॉप हुआ था, जिसपे काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। सो गुड न्यूज ये है कि इस सॉन्ग की रिलीज डेट को अभी थोड़ी देर पहले हनी पाजी ने अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट शेयर की है जिसमे लिखा है, दिस फेस्टिवल सीजन गेट रेडी फॉर हबीबती रिलीजिंग ऑन 1 जनवरी 2024 @6 PM। मतलब 2024 के सबसे पहले दिन पे योयो हनी सिंह का सॉन्ग आने वाला है, वो भी शाम को 6 बजे। सो बहुत ही ज्यादा बड़ा सरप्राइज है ये। इससे अच्छी शुरुआत इस साल की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप लोग बस रेडी रहो न्यू ईयर पे इस गाने को पार्टी में बजाने के लिए। वेल, बात इस सॉन्ग की हो ही रही है तो कल रात मेरे साथ में एक बहुत ही अच्छी चीज हुई जो कि मैं कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कल रात मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट को हनी पाजी ने उनकी स्टोरी में शेयर किया था, जो कि मेरे लिए तो भाई ड्रीम से कम नहीं है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इक्का भाई की तरफ से आ रही है। तो उनका भी रिसेंटली एक इंटरव्यू ड्रॉप हुआ है, जिसमें भाई से जब माफिया मुंडीर को वापस लाने को पूछा गया तो उनका इस चीज पे बहुत बढ़िया रिप्लाई आता है। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। जब भी आपका जिक्र होता है तो माफिया मुंडीर का अपने आप वो ग्रुप का जिक्र होता है, तो क्या लगता है कि अगर आज भी वो ग्रुप एग्जिस्ट करता तो आज का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और हिट ग्रुप होता? BTS होता यहाँ का। तारों में आपको NW होता, वो कोई ऐसा कल्ट होता ना, मतलब मेरे लिए तो आज भी मेरे दिल में है सारे। मुझे वो तो पता है, वो एविडेंट है। बोलूंगा मेरे लिए तो मेरे करीबी हैं सारे और मैं सबकी इज्जत करता हूँ और मैं सबको साथ देखना चाहता हूँ अपने मरने से पहले। शायद जिस दिन कभी ऐसा हो तो मैं उनसे सिर्फ यही लास्ट, मेरे अगर कोई बना तेरी लास्ट विश क्या है तो मैं ही बोलूंगा भाई आप सारे इकट्ठे आओ एक बार एक गाने। मुझे लगता है आप ही को शुरुआत करनी चाहिए। मैं तो करता हूँ, पर ईगोस और ये और वो सब खत्म करने पड़ेंगे, मन मुटाव खत्म करने पड़ेंगे। जब तक वो एक रूम में नहीं होंगे तब तक ये बात कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती। और रूम जब में तक आना आमने सामने और वो रूम में लाना ना वो टास्क है। क्या लगता है आपको कौन कर सकता है? बोहेमिया पाजी कर सकते हैं ये? मतलब कोई नहीं कर सकता जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, तब तक कोई नहीं कर सकता। शायद भोले को उतर के आना पड़ेगा, वो उनकी उंगलियां पकड़वा के लेके आएगा, इधर आओ तुम चलो बात करो। तो काश ऐसा हो, और पर मैं चाहता हूँ पर्सनली कि ये चीज हो, और अगर ये हो गई तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी हिंदुस्तान में। सो जैसे कि आपने सुना, इक्का भाई ने जो कुछ भी बोला है वो एकदम सही है, लेकिन इस ग्रुप से दो लोग हैं जो कि ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देंगे, और वो दोनों लोग बादशाह एंड गिरफ्तार हैं, जिन्होंने हमेशा हनी पाजी को नीचे गिराने की कोशिश की है। असली वाली जेलसी तो इन दोनों में भरी है, और जब तक ये दोनों दिल से साफ नहीं होंगे तब तक माफिया मुंडीर तो बिल्कुल आने वाली नहीं है। इसके लिए भोलेनाथ जी को खुद नीचे आना पड़ेगा। खैर, आपका इस चीज पे क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आए हो तो लाइक का बटन दबा देना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।